नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने जताया विरोध, खिलाड़ियों को खेल मैदान उपलब्ध कराने में असमर्थ नगर परिषद बरेला। देश के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाएं खेलो इंडिया, खेलो मध्य प्रदेश जैसी अनेकों योजनाएं निकाल रहे हैं, जिससे कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए। जिसके पायदान पर विगत माह संस्कारधानी जबलपुर में खेलो इंडिया गेम का भी आयोजन किया गया था, जिसे जिले नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों ने गौरवान्वित महसूस किया। वहीं दूसरी ओर पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद बरेला के जनप्रतिनिधियों एवं आला अधिकारी अनेकों योजनाएं एवं उपलब्धियों का श्रेय अपने नाम करने में थोड़ी सी भी चूक नहीं करते हैं। वहीं बरेला नगर के खिलाड़ियों को एक खेल मैदान उपलब्ध कराने में सभी के पसीने छूट रहे हैं। हमारी टीम को जानकारी देते हुए राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंदियों को हरा कर अपनी जगह 67वीं राज्य स्तरीय शालेय कुराश प्रतियोगिता 2023 के लिए बनाई है, जिसका आयोजन दिनांक 1 सितंबर से 5 सितंबर तक दतिया जिले में आयोजित की जानी है, जिसकी प्रैक्टिस हेतु हम सभी खिलाड़ी नगर परिषद बरेला सामुदायिक भवन बाल विहार में एक सप्ताह से आ रहे, जहां अव्यवस्थाओं एवं अनेकों समस्याओं का अंबार देखने को मिल रहा है। यहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, इससे पूरे भवन में शराब की बोतल में पानी पाउच के पैकेट एवं अनेकों अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हुई है। साथ ही जानवरों का खिरका यहां पर जमा हुआ रहता है, जिससे पूरे मैदान में गोबर एवं गंदगी फैली रहती है। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस जबलपुर से संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। ट्रैवलिंग प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं कोरास राज्य स्तर प्रतियोगिता के लिए, हम लोग का सिलेक्शन हो गया। पहले हम लोग जाते थे वीटीआई ग्राउंड में, पर वहाँ पे सीएम राइस बिल्डिंग बनने के कारण हम लोग वहाँ पे नहीं अपनी प्रैक्टिस कर पा रहे, तो हम लोग ने सोचा कि सामुदायिक भवन के ग्राउंड में जाके हम लोग प्रैक्टिस करें सर। लेकिन यहाँ पे आए हम लोग को बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं मिल रही, यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, यहाँ राशि वगैरह और एक भी वो नहीं है, और जानवर एक हफ्ते आते हो गए यहाँ पे, हम लोग को कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहा है, पूरे ग्राउंड में गंदगी पड़ी हुई है, गेट खुला रहता है, जानवर घुस जाते हैं, सुअर उअर ऐसे घूमते रहते हैं, और यहाँ पे पूरे में गंदगी रहती है। लेकिन नगर परिषद के दौरान तो बताया जाता है कि एक कर्मचारी रहता है यहाँ पे, से प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, हम लोग को कोई भी कर्मचारी नहीं मिला यहाँ पे हम लोग खिलाड़ियों के लिए हम लोग को एक भी व्यवस्था नहीं है, बरेला में एक भी ग्राउंड नहीं है, ये हमारे नगर परिषद की सबसे बड़ी गलती है कि खिलाड़ियों के लिए एक भी ग्राउंड नहीं है। तो इसकी शिकायत आपने किसी राजनेता या कर्मचारी से की क्या? सर की तो थी, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया हम लोग के प्रति। सर हम लोग जाएं तो जाएं कहां, मुंह बंद करना। बट आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? सर यहाँ पे हम लोग सर प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं सर, क्योंकि सर हम लोग का सिलेक्शन स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप में हुआ है सर, जिसके दौरान हम लोग को प्रैक्टिस के लिए सामुदायिक भवन में हम लोग ने सोचा। लेकिन सर जब हम लोग यहाँ पे एक हफ्ते से आना स्टार्ट किए, लेकिन सर यहाँ पे ना बहुत गंदगी रहती है, और यहाँ पे जानवर भी पहले हुए हैं, और यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार के नशा रेडी इंसान कोई भी आ जाता है, और सर उसके साथ यहाँ पे सर बिल्कुल गंदगी भी सर चारों तरफ फैली हुई। क्या गंदगी हुए है यहाँ पे? यहाँ पे सर जैसे सर यहाँ पे गोबर, यहाँ पे फुग्गे उग्गे सर, यहाँ पे राशि की पन्नी पैकेट सर वगैरह वगैरह सर, मतलब सर बहुत सारा। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है क्या? नहीं सर, यहाँ सर किसी भी प्रकार का कर्मचारी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि समुदाय भवन में एक कर्मचारी रहता है हमेशा सर। यहाँ पे सर हम लोग के आने के बाद सर हम लोग एक हफ्ते से आ रहे, लेकिन हम लोग को एक भी कर्मचारी नहीं देखा, ना यहाँ की किसी ने सफाई।